यहाँ शादी शगुन प्यार अपनापन सब झूठ है, नाटक है, सब कुछ धोखा है। कृष्णा जी, हमने आपको कभी फंसाने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ रिश्ता बचाना सीखा। बिल्कुल नहीं, रिश्तों को चालाकी से नहीं बल्कि ईमानदारी से बचाना चाहिए। बिंदिया जी, कृष्णा जी, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें एक और शब्द और नहीं सुनना, प्लीज जाओ यहाँ से। चलो मान लिया हम झूठे हैं, हम गलत हैं, पर तुम तो सच्चे हो ना, तो ठीक है, आज तुम अपनी सच्चाई साबित करोगे। ये लो, भर लो बिंदी की मांग। बिंदी की मांग भरकर आज साबित कर दो कि हम और बड़ी मां गलत है। सैम और बिंदिया की शादी के बीच में आया क्रिश। क्रिश और बिंदिया हमेशा के लिए होंगे एक। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सैम और बिंदिया हैं वो शादी के जोड़े में आ जाते हैं, घर वालों के सामने बैंड बाजे के साथ। घर वालों को एक पल के लिए लगता है कि इन दोनों ने तो शादी कर ही ली, लेकिन क्रिश का बुरा हाल हो जाता है। क्रिश इस तरीके से नीचे गिरने लगता है कि पायल को ही संभालना पड़ता है। अब शो में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जहां पर सैम और बिंदिया की शादी होने जा रही होती है। वहीं पर क्रिश को लगता है कि बस अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। सैम बिंदिया की मांग भरने ही जा रहा होता है कि अचानक से क्रिश भर देता है बिंदिया की मांग। अब आपको आने वाले एपिसोड में यही देखने को भी मिलने वाला है, जहां पर सैम और बिंदिया नहीं बल्कि क्रिश और बिंदिया एक होते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि पायल का गुस्सा भी क्रिश पर फूटेगा। और यहाँ पर क्रिश पायल को समझाएगा कि हमें बिंदिया से प्यार है, तुम तो हमारे लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि ये जो प्यार शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ बिंदिया के लिए ही है। अब ऐसे में पायल बहुत ज्यादा चिल्लाती है और पूरा घर सर पर उठा लेती है। आने वाले एपिसोड में अब आप यही ट्विस्ट देखने भी वाले हैं कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है और सैम और पायल बीच से हटकर बिंदिया और क्रिश अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।